अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। कायदे से देखा जाए तो तकनीकी तौर पर ये सवाल गैर वाजिब है कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन रविवार को जयपुर में गहलोत खेमे के विधायकों ने आलाकमान के खिलाफ जो स्टैंड लिया, उसके बाद सबकी जुबान पर बस यही सवाल है। खुद गहलोत भी दावे से नहीं कह पा रहे हैं कि राजस्थान के अगले सीएम पर सवाल क्यों। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। आइए गहलोत के इस बयान की पृष्ठभूमि भी बता देते हैं। रविवार को सोनिया गांधी के दूत यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कांग्रेस के विधायकों से ये प्रस्ताव पास कराने जयपुर पहुंचे थे कि सभी विधायक सर्वसम्मति से नया सीएम चुनने का अधिकार आलाकमान को सौंपते हैं। लेकिन गहलोत खेमे के 82 विधायक ना तो सोनिया गांधी के दूतों से मिलने आए और ना ही प्रस्ताव पास किया, बल्कि प्रोटेस्ट में स्पीकर को इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी सचिन पायलट की ताजपोशी करना चाहती हैं। आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं और गद्दारी की बात भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयत्न किए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये यहाँ की जो बैठक हुई है उसको ये आरोप दे करके सब पैरेलल बैठक। गहलोत गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, लेकिन रविवार की घटना से भरोसे का सेतु ऐसा टूटा कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए गहलोत को लंबा इंतजार करना पड़ा। गहलोत को भी हवा का रुख पता लग गया था, लिहाजा माफी भी मांग ली। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है। गहलोत से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी सचिन पायलट से मिली। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को खास आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि मुलाकात के बाद सचिन पायलट काफी खुश है। आखिर पायलट की खुशी का राज क्या है? क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री परिवर्तन होगा? क्या बदले घटनाक्रम में गहलोत के विधायक पाला बदलेंगे? बयानबाजी से ऐसा ही नजर आने लगा है। गहलोत खेमे के गिरिराज मलिंगा का बयान ही देख लीजिए। बेईमान लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस का माल खाया है, और जब पार्टी पर संकट की घड़ी आ रही तब भी बेईमानी कर रहे हैं, अभी इनका पेट नहीं भर रहा है। हम लोग तो कभी कुछ नहीं बने, 3 बार लगातार कंट्री नहीं जीता है, हमने आज तक नहीं कोई डिमांड करी कि हमें मंत्री बना दे और कुछ बना दो। ये बेईमान लोग हैं, इनको तो पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और उपचुनाव हो जाना चाहिए। क्या फर्क है, हो जाए उपचुनाव, दोबारा सरकार आ जाएगी जिसकी आगे पर जी गद्दारों को तो पता पड़ जाएगा कि गद्दारों तुम्हारी क्या औकात है। राजस्थान की हवा बदलने वाली है, लेकिन अशोक गहलोत भी अनुभवी नेता है, संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हैं, राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतनी आसानी से किनारे लगाया जा सकता है?